केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की 3 दिन की आशीर्वाद यात्रा देवास से शुरू हो गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर पहुंचे, वहीं एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को बड़ी मुश्किल से हटाया। यहां पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं जनता का सेवक हूं और जनता का आशीर्वाद लेने आया हूं। उन्होंने कहा कि जब उनकी जरूरत रहेगी वे जनता की सेवा में हाजिर हो जाएंगे। बता दें कि सिंधिया 19 अगस्त तक 4 जिलों और 4 लोकसभा क्षेत्रों में आशीर्वाद यात्रा लेकर पहुंचेंगे। इसके बाद शाजापुर और खरगोन के विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरेगी और इंदौर में इसका समापन होगा। 3 दिन में 78 कार्यक्रमों में सिंधिया शामिल होंगे। यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए पार्टी ने जोरदार तैयारियां की हैं।